में बैंकिंग, बैंकिंग इन इंडिया। भारत में आधुनिक बैंकिंग सेवाओं का इतिहास 200 वर्ष पुराना है। भारत के आधुनिक बैंकिंग की शुरुआत ब्रिटिश राज में हुई। 19वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 बैंकों की शुरुआत की। बैंक ऑफ बंगाल 1806 में, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में और बैंक ऑफ मद्रास 1843 में। लेकिन बाद में इन तीनों बैंकों का विलय एक नए बैंक इंपीरियल बैंक में कर दिया गया, जिसे सन 1955 में भारतीय स्टेट बैंक में विलय कर दिया गया। अलाहाबाद बैंक भारत का पहला निजी प्राइवेट बैंक था। भारतीय रिजर्व बैंक सन 1935 में स्थापित स्टेब्लिश्ड किया गया था और बाद में पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक और इंडियन बैंक स्थापित स्टेब्लिश्ड हुए। भारत में प्रारंभ शुरुआत में बैंकों की शाखाएं और उनका कारोबार वाणिज्यिक केंद्रों, कमर्शियल्स सेंटर्स की तक ही सीमित होती थी। बैंक अपनी सेवाएं केवल वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट को ही उपलब्ध कराते थे। आज़ादी से पहले देश के केंद्रीय सेंट्रल बैंक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक ही सक्रिय एक्टिव था, जबकि सबसे प्रमुख बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। उस समय भारत में 3 तरह के बैंक वर्किंग में थे, भारतीय अनुसूचित बैंक, गैर अनुसूचित बैंक और विदेशी अनुसूचित बैंक। अनुसूचित मतलब शेड्यूल्ड। आज़ादी के बाद भारतीय रिजर्व बैंक को केंद्रीय बैंक का दर्जा बरकरार रखा गया, उसे बैंकों का बैंक भी घोषित किया गया। सभी प्रकार की लगभग नीतियों को तय करने और उसे अन्य बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा लागू कराने की सेवा भी उसे सौंपा गया। इस कार्य में भारतीय रिजर्व बैंक की कंट्रोल तथा नियम शक्तियों की इम्पोर्टेंट भूमिका रही है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण, आज़ादी, नेशनलाइजेशन, फ्रीडम, इंडिपेंडेंस के बाद सन 1949 में किया गया। इसके कुछ वर्षों के बाद सन 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का भी नेशनलाइजेशन किया गया और उसका नाम बदल करके भारतीय स्टेट बैंक रखा गया। आगे चलकर सन 1959 में भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम बनाकर 8 क्षेत्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन किया गया। वर्तमान में ये 8 बैंक भारतीय स्टेट बैंक समूह ग्रुप के बैंक कहे जाते हैं। इन 8 बैंकों के नाम स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर इत्यादि हैं। देश भर में इनकी लगभग 24,000 ब्रांचेस, शाखाएं हैं और 59,000 ATM मशीन्स अभी तत्काल में वर्किंग कर रहे हैं। देश के प्रमुख 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन 19 जुलाई सन 1969 को किया गया। ये सभी वाणिज्यिक कमर्शियल बैंक थे। इसी तरह 15 अप्रैल सन 1980 को निजी क्षेत्र प्राइवेट सेक्टर के 6 और बैंक नेशनलाइजेशन किए गए। इन सभी 20 बैंकों की शाखाएं देश भर में फैली हैं। वर्तमान प्रेजेंट में कुल 12 नेशनलाइजेशन बैंक हैं। जुलाई 2020 तक सरकारी बैंकों के हालिया विलय के बाद भारत में कुल 12 नेशनलाइजेशन बैंक है और RBI इन नेशनलाइजेशन बैंकों का प्रबंधन करने वाला शासी निकाय, गवर्निंग बॉडी है।
पिछले साल सार्वजनिक क्षेत्र पब्लिक एरिया के 10 बैंकों को 4 बैंकों में मिला दिया गया था। 1 अप्रैल 2020 से सरकारी बैंक का बड़ा मर्जर प्लान लागू हो गया है। इसके तहत ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स OBC और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का मर्जर पंजाब नेशनल बैंक में हो गया। विलय के बाद ये देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया है। SBI देश का सबसे बड़ा बैंक है। सिंडी बैंक का विलय कैनरा बैंक में हुआ, जिससे ये देश का चौथा सबसे बड़ा बैंक बन गया। इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में हुआ है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का विलय हुआ है। आइए आपको बताते हैं कि किस बैंक का किसके साथ हुआ है मर्जर। कैनरा बैंक का सिंडिकेट बैंक में मर्जर हो गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकों के मर्जर की घोषणा करते हुए कहा था कि इस विलय के बाद देश में सरकारी बैंकों की संख्या 12 रह जाएगी। साल 2017 में देश में सरकारी बैंकों की संख्या 27 थी। इससे पहले देना बैंक और विजया बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय हुआ था। इंडियन बैंक का इलाहाबाद बैंक में मर्जर होगा। पंजाब नेशनल बैंक के अंदर ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक का मर्जर हो जाएगा। यूनियन बैंक का आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक के साथ होगा विलय। बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक, देना बैंक ये एक कहलाएंगे। कैनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक ये एक कहलाएंगे। इलाहाबाद बैंक, इंडियन बैंक ये एक कहलाएंगे। पंजाब नेशनल बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ये एक कहलाएंगे। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कॉरपोरेशन बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक ये एक कहलाएंगे। ये बैंकों का इतिहास कैसा लगा आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखें। पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आपको कमेंट्स बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं। गुड लक, गुड बाय।